दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2020 के फाइनल का टिकट मिल गया है। टूर्नामेंट में अब तक के इतिहास में यह पहली बार है कि दिल्ली की टीम फाइनल मुकाबला खेलेगी। दिल्ली ने रविवार को क्वालिफायर टू में सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से मात दी। खिताबी मुकाबले में उसका सामना 10 नवंबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। मैच के बाद दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि यह उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है और उनके लिए यह अभी तक की सबसे बड़ी खुशी है। अय्यर बोले, शानदार अभी तक का सबसे बेहतर एहसास। यह काफी उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। हम एक परिवार की तरह खड़े रहे हैं। एक कप्तान के तौर पर काफी सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अय्यर ने कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर आपको निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्ट स्टाफ से काफी समर्थन मिल रहा है। भाग्यशाली हूँ कि इतना शानदार टीम मिली है। भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती है। आप हमेशा वही रूटीन नहीं रख सकते, आपको लगातार बदलना होता है। अगले मैच के लिए हमें फ्री होकर खेलना होगा। अय्यर की कप्तानी में यह लगातार दूसरी बार टीम ने टूर्नामेंट के प्लेऑफ में जगह बनाई है और वह इस युवा कप्तान के नेतृत्व में 4 बार की चैंपियन के सामने खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगे। अब देखना होगा कि साल 2020 में आईपीएल को नया चैंपियन मिलता है या नहीं।